इन दिनों बिहार में चुनावी सभा तेज है। इसी कड़ी में पूर्णिया में एनडीए की ओर से एनडीए के राष्ट्रीय नेताओं ने रैली की और आमजनों को संबोधित किया। पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र के एनडीए भाजपा उम्मीदवार विजय खेमका के पक्ष में पूर्णिया के रणभूमि मैदान में आयोजित विशाल जनसभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी तथा देश के कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी उपस्थित हुए और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए के पक्ष में सभी उम्मीदवारों को वोट करें। उन्होंने खासतौर पर कहा कि पूर्णिया सदर से विजय खेमका एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने हमेशा ही जनता की सेवा की है और आगे भी करते रहेंगे, इसलिए आप तमाम जन एकजुट होकर इन्हें वोट करें। दोनों राष्ट्रीय नेताओं ने जनसभा को संबोधित करते हुए जहां विजय खेमका के पक्ष में वोट मांगा, वहीं एनडीए के तमाम उम्मीदवारों को भी जिताने की अपील की। एनडीए के घटक दलों के उम्मीदवार कस्बा से हम पार्टी के राजेंद्र यादव, धमधा से जदयू की लेसी सिंह, रुपौली से जदयू की प्रत्याशी बीमा भारती, बनमनकी से भाजपा प्रत्याशी कृष्ण कुमार ऋषि, बायसी से भाजपा प्रत्याशी विनोद यादव समेत सभी एनडीए प्रत्याशियों के लिए उन्होंने एकजुट होकर जनता से वोट करने की अपील की। मौके पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, भाई विजय खेमका जी एक सुलझे हुए सेवक के रूप में हमेशा ही पूर्णिया सदर की जनता की सेवा करते आए हैं और आगे भी ये करते रहेंगे, बशर्ते आपका आशीर्वाद इन्हें मिलता रहे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी अपने संबोधन में विजय खेमका को जिताने की अपील करते हुए एनडीए के तमाम प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने के लिए जनता से अपील की। खासतौर पर मुख्य विपक्षी पार्टी राजद के प्रति अपने गुस्से का इजहार करते हुए दोनों एनडीए नेताओं ने कहा कि इस समय जो बिहार में विपक्ष है उनके वादे केवल चोचले हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव निश्चित तौर पर अनुभव के कमी के शिकार हो रहे हैं। उनके पास राजनीति का कोई अनुभव नहीं है कि वो केवल वादे कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, यहां उपस्थित विधान पार्षद दिलीप जायसवाल जी, सांसद श्री संतोष कुशवाहा जी, प्रत्याशी में विजय खेमका जी पूर्णिया, राजेंद्र यादव जी कस्बा, बायसी के विनोद यादव जी, धमदाह की श्रीमती लेसी सिंह जी, रुपौली की बीमा भारती जी, बनमनखी के कृष्ण कुमार ऋषि जी, अमौर से सभा दफर जदयू के सभी, भाजपा के जिला अध्यक्ष, जदयू के जिला अध्यक्ष मुकेश सानी की विकासशील इंसान पार्टी के जिला अध्यक्ष, हम पार्टी के जिला अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता मित्रों, माताएं इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, नौजवान साथियों, सबसे पहले आप सबको दशहरा और विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां दुर्गा का आशीर्वाद आप सबके ऊपर हो, अभिनंदन। पूर्णिया में अपनी कहानी मैं कहां से शुरू करूं? जब मैं विद्यार्थी परिषद का काम करता था जेपी मूवमेंट में, तो पूर्णिया बहुत आना होता था, बाद में भी आते थे बीजेपी की ओर से, चाहे यहां का भट्टा बाजार हो, चाहे यहां का गुलाब बाग हो, चाहे बनमनखी हो, चाहे बाकी सारे क्षेत्र हो, कितनी बार घूमा हो। बीच में एक और समय आया, याद है ना, कि गुलाब बाग की जागृत बाजार से लोग भागने लगे। जब मैं पटना हाईकोर्ट का वकील था, कितने व्यापारी रोते हुए आते थे कि रवि जी कुछ करिए, पुलिस कार्रवाई नहीं करती। जब पूर्णिया आता था लोग डरे हुए सहमे हुए रहते। इसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल एक उनके पुत्र राम घूम रहे हैं कि हम नया बिहार बनाएंगे, लेकिन नए बिहार में उनका जो पोस्टर छपता है उसमें न माता जी की फोटो है न पिताजी की फोटो है। 7.5 साल पिताजी, 7.5 साल माता जी, इतना शर्मिंदगी क्यों है भाई माता जी और पिताजी की फोटो से? सीधा सवाल है, माता जी और पिताजी की फोटो आएगी तो गुलाब बाग का अपहरण भी आएगा, भट्टा बाजार की फिरौती भी आएगी, बनमनखी की लूट भी आएगी। जब से हम हेलीकॉप्टर से उतरे हैं तब से मोबाइल से फोटो खींच रहे हो, हाँ, इधर भी चल रहा है बहुत, उधर भी चल रहा है। ईमानदारी से बताइए तो लालू जी के राज में मोबाइल लेके घूम सकते थे? देखिए, देख लीजिए, हम कुछ नहीं बोल रहे, मोबाइल देखा ला और छिनाया है ना, अब देखिए तो, अब जरा बताइए तो
पूर्णिया के इस मैदान में इतना लोग हम लोग की फोटो खींच रहे हैं, कितना लोग फेसबुक पर हो, जरा हाथ उठाओ तो देखो संतोष बाबू, देखो आपके क्षेत्र में देखिए क्या बात है। मैं देश का कानून मंत्री नहीं हूं, देश का आईटी मंत्री भी हूं, पूर्णिया के नौजवानों के लिए ताली बजाता हूं, बहुत बढ़िया। देख रहे हो ये नरेंद्र मोदी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। अब पहले क्या था, नीतीश कुमार की सरकार, सुशील मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार आपके हाथ में देती है कंप्यूटर, मोबाइल फोन, अब गांव गांव में ला रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर हम लोग इंटरनेट के लिए, 1000 करोड़ रुपए की योजना है। मोदी जी ने 15 अगस्त को घोषणा की देश के 6 लाख गांव में लाएंगे, हमने कहा सर बिहार से शुरू करूंगा, कर दो। आज बिहार के 45,000 गांव में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ला रहे हैं, वाईफाई लगेगा, लोग पढ़ेंगे, कोचिंग लेंगे, गांव में गांव का विकास होगा। और याद करिए पहले क्या था, पटना में रैली होती थी याद है ना किसी के पिताजी की, और नारा क्या था, लाठी लेके चलो पूर्णिया के जवानों, तेल पिलावन लाठी भजावन, याद है ना, ये था वो दिन। और आज नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की सरकार हाथ में कंप्यूटर दे रही है, हाथ में मोबाइल फोन है, सीखो आगे बढ़ो। आपको तय करना है हिंदुस्तान कैसा बनाना है, आपको तय करना है बिहार कैसा बनाना है। संतोष जी ने अच्छी बात कही, गांव में बिजली आई कि नहीं आई मुझे बताइए, हेलीकॉप्टर से हम देख रहे थे, इतना नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, गांव गांव में सड़क है, हम ये करते हैं। और याद करिए जिस वक्त बेरोजगारी की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, लालू प्रसाद राबड़ी जी के 15 साल में 1990 से 95 में सिर्फ 95,000 लोगों को नौकरी मिली, नीतीश कुमार की सरकार में 2005 से आज तक 6 लाख लोगों को नौकरी मिली है, 3.5 लाख शिक्षक की नियुक्ति हुई है, आगे हम 3 लाख शिक्षक की और नियुक्ति करने जा रहे हैं, बाकी विस्तार से हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे। हमारा कॉमन सर्विस सेंटर है आईटी का, बिहार में लगभग 35,000 है, उसमें 2.5 लाख बच्चे काम करते हैं जो डिजिटल सेवाएं देते हैं डिजिटल इंडिया के माध्यम से, और हम काम करने वाले ये जो जीविका की माताएं बैठी हुई है बहुत बड़ी संख्या में, 1.5 करोड़ लोगों को हमने स्वावलंबी बनाया है, आगे 1 करोड़ लोगों को बनाएंगे। तो उनका काम है खाली झांसा देना, हमारा काम है नौकरी देना और आगे फिर देना। हम 3 लाख स्कूल कॉलेज में भी नियुक्ति करने जा रहे हैं, आपको तय करना है कौन दे सकता है। अगर नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेशनल हाईवे बनेगा तो बना, अगर नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के हर गांव में बिजली आएगी तो बिजली आई, अगर नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के हर गांव में बिजली आएगी तो बिजली आई, सड़क बना, और नरसंहार लूटने अपहरण करने वाले जेल के अंदर गए, ये आपके सामने है। इसलिए कभी झांसे में मत आइएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं। पूर्णिया की बात खेमता जी बोले, संतोष जी बोले, मैं नहीं दोहराऊंगा, कभी आप सोचते थे कि यहां मेडिकल कॉलेज आएगा पूर्णिया में? हम तो पटना से अध्यक्ष जी चलते थे, एक दिलवारा सिंह की बस होती थी पूर्णिया आने के लिए, याद है कि नहीं, वहां से चलते थे रात के 9 बजे, भोरे 5 बजे पहुंचते थे, कैसे टकदम टुकदम करके पहुंचते थे। आज देखिए आप 5 घंटे में पहुंच जाते हैं, आज यहां मेडिकल कॉलेज है, आज यहां इंजीनियरिंग कॉलेज है, आज यहां यूनिवर्सिटी है, और पूर्णिया का विकास क्यों नहीं होना चाहिए, सबसे पुराना एक जिला है हमारा देश के लिए। और आपने सही कहा दिलीप बाबू, ये सिर्फ भाजपा एनडीए का कटोरा नहीं है, सब तो बैठे हुए वहां नेता एनडीए के, सबसे बड़ी बात है कि पूर्णिया एक बहुत बड़ा व्यापार का भी केंद्र है, इसको और आगे बढ़ाना है, यह हमारी सोच होनी चाहिए। अब याद करिए किसको लाइएगा, जिससे व्यापार बढ़ेगा या जिससे अपहरण बढ़ेगा, जिससे नए नए अवसर बनेंगे या जिससे किडनैपिंग होगी, ये है बड़े सवाल। इसलिए कुछ लोग घूम रहे हैं, घूमने दीजिए, देखिए माताएं बैठी हुई है हमारी, नीतीश कुमार जी ने किया, माताओं को दिया, बेटियों को दिया साइकिल और पोशाक, स्कूल चले हम, बहुत अच्छा कार्यक्रम। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा,
बेटियां साइकिल से स्कूल तो जाती हैं, अब हिंदुस्तान की बेटी एयरफोर्स का फाइटर प्लेन भी चलाएगी। ये आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि पहले महिलाओं को सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ाने की अनुमति थी, आज पहले बैच में तीन तीन एयरफोर्स की महिला पायलट को सिलेक्ट किया गया है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, उसमें एक आपके बिहार की दरभंगा है, आज दरभंगा की बेटी है, आज बिहार की बेटी एयरफोर्स का पायलट प्लेन भी चला रही है। इस तरह से महिलाओं का उत्थान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के लिए आरक्षण, ये हमने काम करके दिखाया। इसलिए बाकी कोरोना की बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, उसमें क्या क्या काम हुआ है वो चुनौती है। हम एक ही बात कहना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नीतीश कुमार के साथ खड़ा होकर आज भारत बुलंद बना है, आज भारत का आत्मसम्मान बढ़ा है। हम पूर्णिया है, कुछ देर के बाद सरहद शुरू होती है। मुझे याद है कि हम और नड्डा जी गए थे कश्मीर, हमारे गडकरी जी अध्यक्ष थे, लद्दाख में बताया गया कि जब भी रोड बनती है तो चीनी उधर से डांटता है, बंद करो बंद करो बंद करो। और आज आप देखिए रोज बड़ी बड़ी सड़क भारत चीन की सीमा पर बनती है, चीन चिल्लाता है सड़क बनती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार है, कोई समझौता नहीं होगा। नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि भारत शांति में विश्वास करता है, भारत प्रेम और सद्भाव में विश्वास करता है, लेकिन भारत की ओर कोई आंख उठा के देखेगा तो भारत आंख झुका के नहीं, आंख मिला के बात करेगा और जवाब देगा। और आज चीन के सरहद पर जवाब में जो जवाब दिया, उसमें बिहार रेजिमेंटल सेंटर के भी जवान थे, बिहार के जवान थे, बिहार के अफसर थे। यह हमने करके दिखाया है। अब कुछ लोगों को परेशानी है, एक नेता जी है उनका नाम है राहुल गांधी, आते रोने लगते हैं, क्या क्या बोलते हैं। आज पूरी दुनिया चीन के मामले में जो सख्ती की है भारत ने, पूरी दुनिया, क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या फ्रांस, क्या जापान, क्या जर्मनी, क्या ऑस्ट्रेलिया, सभी खड़े हैं, लेकिन राहुल गांधी परेशान। अब राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के बारे में अध्यक्ष जी विस्तार से बताएंगे उनको क्या परेशानी होती है, लेकिन आपको यह सोचना है कि एक मजबूत बिहार चाहिए, एक सुरक्षित बिहार चाहिए, एक और तेज गति से आगे बढ़ने वाला विकास चाहिए। तो ये कौन करेंगे भाई? तेजस्वी बाबू करेंगे, आप मुझे बता दीजिए। ये करेंगी एनडीए, नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी, भाजपा, जदयू और हमारे दो साथी जो एनडीए के पक्के साथी हैं, विकासशील इंसान पार्टी और हम पार्टी। ये हम लोग कमिटेड हैं, संकल्पित हैं, और ये होगी बिहार का इंजन, और इसके पीछे एक भारत सरकार का भी इंजन खड़ा रहेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी मानते हैं जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। और देखिए अंत में बात करनी है, भारत सरकार भी तो देख करके ना खर्चा करेगी जी, हैं? रविशंकर जी देश के कानून मंत्री हैं, लेकिन अभी मैंने पुराने कार्यकर्ताओं को देखा मंच पर बैठे हुए हैं, हमारा एक और परिचय है ना, रामलला के भी वकील थे अयोध्या के मामले में, और चारा घोटाले में जांच कराने वाले हाईकोर्ट के वकील रविशंकर प्रसाद हम ही थे, याद है ना। तो क्या पैसा भेजा जाए चारा के लिए, घोटाले के लिए? ये है बड़े सवाल। हम गर्व से कहते हैं कि नीतीश कुमार, सुशील मोदी की सरकार ने ईमानदारी से काम किया है, विकास किया है बिहार, और ये आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा है। याद करिए, ये सभी जो हमारे उम्मीदवार हैं, चाहे कृष्ण कुमार ऋषि जी हैं या विजय खेमका जी हैं या लेसी जी हैं या बाकी हैं, ये सभी हमारे वरिष्ठ नेता, मैं इन सबों को जानता हूं, इन सबों ने बिहार के विकास के लिए बहुत काम किया है। तो आज देखिए ये हमारी चट्टानी एकता है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग जरूर संकल्प के साथ मत दीजिए, तो बोलिए हाथ उठा के समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं, बोलिए क्या बात है भाई। हम तो आप लोग को प्रणाम करते हैं कि दशहरा के दिन आप घर से बाहर निकले, नड्डा जी हम लोग हेलीकॉप्टर, हम लोग आ रहे हैं औरंगाबाद, डेढ़ घंटा लगा है रास्ते में, हम यही चर्चा कर रहे थे,
कि पूर्णिया का मैं संकल्प जानता हूं, दशहरा की पूजा है फिर भी लोग आएंगे। जब ऊपर से देखा और आप इतनी देर से बैठे हैं तो पुनः आपको प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ, आप भी जो है स्वागत में जुड़ जाएंगे। सभी से अनुरोध है कि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए सब लोग जोरदार तालियों से पूर्णिया जिला की तरफ से, पूर्णिया के पवित्र भूमि जी की तरफ से स्वागत करेंगे। अब जी विधायक जी, हमारे कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी को भी स्वागत अंग वस्त्र देकर के कर रहे हैं। मैं सभी लोगों का पुण्या के धरती की तरफ से मैं अपने मुख्य अतिथि का धन्यवाद अभिनंदन करता हूं। अब मैं जिनको इंतजार था वो घड़ी खत्म हो चुकी है, अब मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अनुरोध करूंगा कि वो हम लोग को संबोधित करें। सभी लोग जोरदार तालियों के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की आज के इस विशाल जनसभा में मेरे साथ उपस्थित भारत सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी, जिनके साथ मैंने विद्यार्थी जीवन में युवा काल में साथ काम किया, ऐसे हमारे श्री रविशंकर प्रसाद जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ सहयोगी और बहुत ही लोकप्रिय सांसद जनता दल यूनाइटेड के श्री संतोष कुमार कुशवाहा जी, हमारे विधान परिषद में पार्षद विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, हमारे पूर्णिया के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री विजय खेमका जी, हमारे बनमनखी के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री कृष्ण कुमार ऋषि जी, हमारे प्रत्याशी धमदाहा के जनता दल यूनाइटेड से श्रीमती लेसी सिंह जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राकेश कुमार जी, हमारे वाईसी से भाजपा के प्रत्याशी श्री विनोद यादव जी, प्रत्याशी कस्बा से हम के श्री राजेंद्र यादव जी, जिला परिषद के अध्यक्ष श्रीमती कांति जी, हमारे जिला अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के शंभू मंडल जी, जिला अध्यक्ष वीआईपी के श्री विजय महलदार जी, हमारे सांसद जो झारखंड से आए हैं मेरे सहयोगी समीर उराव जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं बहनें, मेरे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि विजयदशमी की जहां मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, वहीं लोकतंत्र की रक्षा करते हुए आप सब लोग आज इस कार्यक्रम में आए हैं, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। मित्रों, अभी मैंने अपने संतोष जी को और रविशंकर जी को सुना, आपने भी सुना, हमारे ध्यान में आया होगा कि दोनों के भाषण में बिहार की प्रगति, बिहार का विकास, बिहार की सड़कें, बिहार की बिजली, बिहार का आईटी, बिहार का मेडिकल कॉलेज, यहां का मेडिकल कॉलेज, यहां का ट्रॉमा सेंटर, सब कुछ विकास केंद्रित था। यानी बिहार के लोगों की, पूर्णिया के लोगों की विकास की आकांक्षा को पूरा करने का काम किसी ने उठाया है तो वो एनडीए की सरकार ने उठाया है, नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है, नीतीश कुमार जी ने उठाया है। मित्रों, आप याद कीजिए, रविशंकर जी ने हमको पुरानी याद ताजा करा दी, बताइए एक रैली हुई थी कि नहीं, वो क्या था, डंडा लाठी तेल पिलावन लाठी भजावन, ये रैली थी कि नहीं थी, बताइए। आज से 15 साल पहले चुनाव इस बात का होता था कि नहीं, कि हम ये जाति के बा, हम वो जाति के बा, हम अगला बा, हम पिछड़ा बा, हम गंगा नदी के ऊ पार के तो ई पार के, इस सब को पार करके विकास की पार करने की काम अगर पकड़ा तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पकड़ा, नई संस्कृति ने पकड़ा, इसको हमको समझना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि अब राजनीति की नई बहार है,
नई सोच है, नया काम। जो नेता खड़ा होता है वो उसने क्या काम किया है या क्या करेगा यह बताने की, जागृति लाने का काम मोदी जी के कारण भारत की राजनीति का चाल चरित्र और संस्कृति बदल गई है, अब विकास की ओर चल पड़ी है, इसको हमको समझना चाहिए। अब आपको पता होगा पिछले बार 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया था प्रधानमंत्री, दिया था कि नहीं दिया था, चर्चा की थी कि नहीं की थी। तो उस समय लोग बोलते थे ये तो जुमला है, जुमला ही ना होई, कौन करेगा, कहते थे कि नहीं कहते थे। आज मैं आपको बताने आया हूं कि 1,25,000 करोड़ तो छोड़ दो, उसके ऊपर से 40,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी का बिहार की धरती में पिछले 5 साल लगा है, इस बात को हमको समझना चाहिए। 1,000 करोड़ रुपए हमारी शिक्षा पर लगा, उसी तरीके से हमारे विकास के दृष्टि से देखा जाए 600 करोड़ रुपए स्वास्थ्य पर लगा, 1600 करोड़ रुपए बिजली पर लगा, 14,000 करोड़ रुपए सड़क पर लगा, 54,000 करोड़ रुपए हाईवे पर लगा, और उसी तरीके से टूरिज्म पर 6,000 करोड़ रुपए लगा, और साथ साथ हवाई अड्डे के लिए 2,700 करोड़ रुपए लगा, और इसमें दरभंगा का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का 1200 करोड़ रुपए नहीं है, आपके मेडिकल कॉलेज में खर्च होने वाला 500 करोड़ रुपए नहीं है, आपके यहां ट्रॉमा यूनिट पर खर्च होने वाला 500 करोड़ अलग से है। इस तरीके से 1,25,000 करोड़ के ऊपर 40,000 करोड़ रुपए अलग से दिया गया है। ये मैं छाती ठोक करके मोदी जी की तरफ से बिहार की जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड रखने आया हूं, आपके सामने इसको बताने आया हूं। बताइए ऐसे कोई बताता था पहले, कोई आता था नेता बताने के लिए? कहते थे वायदे तो होते ही भूलने के लिए है और भुलाने के लिए, लेकिन अब ये नई संस्कृति आई है, नया काम आया है, नए तरीके से काम करने का जोश है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब ये कोविड आया, किसी को बोल के आया था क्या? कोई जानता था इससे कैसे लड़ा जाएगा? क्या देश तैयार था इससे लड़ने के लिए? अमेरिका जैसा देश आज ट्रंप चुनाव लड़ रहा है, वहां विदेश को घेर रहा है बात को कह करके कि तुमने कोविड की मैनेजमेंट ठीक से नहीं की। अमेरिका जैसा देश जो स्वास्थ्य में हमसे अच्छा था, वह भी उसकी भी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई, चरमराई कि नहीं चरमराई, सबसे ज्यादा केसेस और सबसे ज्यादा डेथ वहां हुआ कि नहीं हुआ, सारा यूरोप मुसीबत में पड़ गया। लेकिन मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को समय पर लॉकडाउन लगा करके 130 करोड़ की जनता को बचाया और बोल्ड डिसीजन लेकर के भारत को आगे निकाला है, इस बात को हमको समझना चाहिए। और क्या था, जिस दिन कोरोना आया था उस दिन केस का डबल होना, संख्या डबल हो जाना 2 दिन में हो जाता था, आज 72 दिन से 75 दिन से ज्यादा होता है केस डबलिंग में। आज हमारी रिकवरी रेट सबसे अच्छी है, कारण क्या है? कारण यह है कि जिस दिन कोरोना आया था उस दिन हमारे टेस्ट करने की कैपेसिटी 1500 थी। कोरोना के 3 महीने के लॉकडाउन में मोदी जी ने देश को तैयार किया, आज 1,500,000 प्रतिदिन हम टेस्ट कर रहे हैं कोरोना की, इस बात को हमको समझना चाहिए। कहां 1500 और कहां 1,500,000 प्रतिदिन टेस्टिंग। उस दिन हमारे पास जो टेस्टिंग लेबोरेटरी थी वो सिर्फ एक थी, आज 1600 टेस्टिंग लेबोरेटरी हमारे पास है। उस दिन हमारे पास ये डेडिकेटेड हॉस्पिटल एक भी नहीं था, एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था, आज 1600 डेडिकेटेड हॉस्पिटल है और 4.5 लाख बेड है और 3.5 लाख वेंटिलेटर है, ये हमारी तैयारी है। उस समय भारत एक भी वेंटिलेटर नहीं बनाता था, आज 3 लाख वेंटिलेटर बना लिया भारत ने, भारत के उद्यमियों ने। उस समय पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट एक भी नहीं था, बाहर से आता था, विदेश से, एक भी भारत के पास नहीं था। आज 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई किट भारत बना रहा है और दुनिया को दे रहा है, इस बात को समझना चाहिए। पैरासीटामोल की दवाई, एससीक्यू की दवाई भारत ने अपने लिए तो रखा ही रखा, लेकिन 150 देशों को पहुंचाने का काम किया तो भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार ने किया है, यह कोविड का मैनेजमेंट हुआ है। आप बताइए लॉकडाउन लग गया, लोगों को मुसीबत आई,
तो क्या 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने से लेकर छठ तक 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का इंतजाम किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? ये व्यवस्था कैसे हुई? ये इसलिए हुई कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में 1,75,000 करोड़ रुपए दिया गया। 8 करोड़ की जनता को 3 महीने के लिए गैस का सिलेंडर दिया गया मुफ्त। 20 करोड़ की बहनों को 500 रुपए 3 महीने के लिए दिया गया ताकि वो अपने घर का चूल्हा जला सके। 1,000 रुपए 3 महीने के लिए 3,000 रुपए दिव्यांग भाई के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारी माताओं के लिए, हमारी विधवा बहनों के लिए, उसका भी इंतजाम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह आत्मनिर्भर पैकेज की बात हो रही है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, दरभंगा के लोग तैयार हो जाएं। किसानों के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है सिर्फ किसान के विकास के लिए। आप अपना FPO बनाइए, मैं संतोष जी को भी कहूंगा, मैं अपने जायसवाल जी को भी कहूंगा, और आप लोग चुन के आने के बाद आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूं कि आप फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाइए और फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से पैसा 1,00,000 करोड़ रुपए मोदी जी का होगा, खर्चा आप करोगे और अपना विकास तय करोगे कि किसान कैसे आगे बढ़ सकता है। इसलिए कोल्ड स्टोरेज बनाना हो, स्टोरेज बनाना हो, कोई फैक्ट्री लगानी हो, मुझे बताया गया कि मक्का भी यहां होता है, मक्का का कोई वैल्यू एडिशन करना हो, कोई ब्रांड बनाना हो, ये सब किसान करेगा। विचार आप करेंगे, पैसा सरकार देगी, लगाएंगे आप और आप किसान का विकास करेंगे, इस तरीके की योजना लेकर के हम चले। इसलिए मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमको इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत है क्या? आत्मनिर्भर भारत यह है कि यहां पूर्णिया की बनी हुई चीज वर्ल्ड ब्रांडिंग उसकी हो और आपको नौकरी करने के लिए कहीं दूर न जाना पड़े, बल्कि आप यहां नौकरी देने वाले बने। इस तरीके का विकास होना चाहिए, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। इसलिए मैं आपको कहने आया हूं मित्रों, ये बदलता भारत है, ये बदलता बिहार है, ये सारा इलाका आगे तक मखाने का इलाका, 80% देश का मखाना बिहार में होता है, उत्तर बिहार में, और उसमें से 90% ये 6 जिलों में होता है। और मखाना की आजकल जो उसकी मेडिसिन वैल्यू है सबसे ज्यादा है। हमको उसके भी बारे में सोचना चाहिए कि हम उसका कैसे विकास कर सकते हैं, क्या उसमें कर सकते हैं, क्या उसमें डाला जा सकता है। हमारी मधुबनी पेंटिंग है, बनाते हमारे लोग हैं और आने पौने दाम में बेचते हैं और दुनिया में वो पूरे बड़े बड़े दाम में बिकती है। मित्रों, आत्मनिर्भर भारत में अब उसका पैसा बनाने वाले को मिलेगा, इस तरीके की तस्वीर हम बना रहे हैं, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं कि आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज हो। अब देखिए, आप बताइए कि आपके गांव में बिजली रहती है कि नहीं रहती है, रहती है कि नहीं रहती है, किसानों को बिजली मिलती है कि नहीं मिलती है? 15 साल पहले क्या हालचाल था? इंतजार करते थे, आई आई आई, और जब तक आती थी तो गई गई गई। ये अंतर है, ये ऐसे नहीं हो गया, ये कोई जादू मंत्र से नहीं हुआ है, ये नीतीश कुमार के कार्यशैली के कारण हुआ है। बताइए, ये हाईवे बनकर के तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है? बताइए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का अटल जी के टाइम पर काम शुरू हुआ था कि नहीं हुआ था? कभी सोचा था कि ऐसा 6 लेन होगा, फराटेदार तरीके से चलेंगे, दना दन निकल जाएंगे? अरे, पहले पटना से पूर्णिया आना होता था तो दिन लगता था, दिन पूरा। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? पूरे 5 घंटे, अब 5 घंटे में आ जाते, पहले पूरा दिन लगता था। क्या आप बताइए, आपका पेट्रोल बचत होता है कि नहीं? समय बचत होता है कि नहीं? गाड़ी पर मारम्बार पड़ती थी उससे बचत होता है कि नहीं? शॉक अब्जॉर्बर का बचत होता है कि नहीं? विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। लेकिन यह समझना पड़ेगा कि अगर उसके नट बोल्ट ढीले हुए तो विकास की गाड़ी पहिए से उतर जाएगी। इसलिए प्रजातंत्र में आपको अपनी जिम्मेवारी संभालनी पड़ेगी। आप बताइए, 18,000 गांव बिना बिजली के थे कि नहीं थे? और मोदी जी ने संकल्प लिया कि 1,000 दिन में 18,000 गांव को बिजली से युक्त कर देंगे। बताइए, किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? 1,75,000 लोगों को बिजली से जोड़ा यहां घर में, सौभाग्य योजना के तहत, एक नई योजना के तहत काम शुरू हुआ।
ये सारी बात मैं आपको सामने इसलिए कह रहा हूं कि विकास के लिए जो काम भारत सरकार ने किया, और यहां बताइए, नीतीश कुमार जी ने बहनों को साइकिल दिया था कि नहीं दिया था, पोशाक दी थी कि नहीं दी थी। ये साइकिल सिर्फ साइकिल नहीं थी, ये बिहार की महिलाओं का, बच्चों का, बच्चियों का सम्मान था। इसको हमको समझना चाहिए, ये उसमें से निकल कर क्या था। आप बताइए, अच्छा नहीं लगता है बोलना, लेकिन हमारी बहनों को नित्य कम के लिए सूर्यास्त और सूर्योदय के पहले का समय देखना पड़ता था कि नहीं देखना पड़ता था? झुंड के झुंड गांव से बाहर निकलते थे कि नहीं? मोदी जी ने 2 करोड़ इज्जत घर बनाए और आप क्या है, 2 लाख इज्जत घर बना करके महिलाओं को इज्जत दिलाई है। इस बात को हमको समझना चाहिए, ये बढ़ता विकास। ये ऐसी मत ले लेना मित्रों, हम लोग सरकार में रहे हैं, हमें मालूम है। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मैंने आयुष्मान भारत मोदी जी के आशीर्वाद से शुरू की है। ये आयुष्मान भारत क्या है, 55 करोड़ लोग, 12 करोड़ 75 लाख परिवार, 55 करोड़ लोग। 55 करोड़ का मतलब होता है भारत की 40% की आबादी, और 55 करोड़ का मतलब होता है सारी अमेरिका की आबादी, सारे मेक्सिको की आबादी और सारे कनाडा की आबादी, तीनों देश की आबादी मिला लो तो इतने भारत में हमारे आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं। और क्या लाभ है, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, चालक, हर कोई जिसके पास कोई पैसा नहीं है उसको गंभीर बीमारी से बचाने के लिए 5 लाख रुपए प्रति वर्ष हेल्थ का कवर देने का काम हम लोगों ने किया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये काम 3 महीने के अंदर किया है, 4 महीने के अंदर किया, 55 करोड़ लोग, और इसमें से 1.25 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है और लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये छोटी घटना है मित्रों, ये छोटा काम है। मैं ये आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि मित्रों, काम करने वालों के तरीके कुछ और होते हैं और उसको संभाल के रखना ये हमारी जिम्मेवारी होती है। क्या ये सच्चाई नहीं है जैसा इन्होंने बताया, ये पूर्णिया बॉर्डर एरिया में आपके यहां अपहरण होता था कि नहीं होता था, अपहरण उद्योग था कि नहीं था, अच्छे अच्छे लोग अपनी गाड़ी छुपा के रखते थे कि नहीं रखते थे, अच्छे अच्छे लोग अपने मोटरसाइकिल छुपा के रखते थे कि नहीं रखते थे? मैं बेतिया में एक जगह कार्यक्रम में गया, बेतिया में, यह बात है 2010 की, चुनाव हो रहा था, नीतीश कुमार आए थे मंच पर, मेरी आदत है मैं जनता में चला जाता हूं, मैं जनता में चला गया। एक नौजवान था, बड़ा खुश था, साइकिल लेके आया। हमने कहा क्या करेंगे, बोले वोट देंगे। हमने कहा वोट कहां, कहकर नीतीश कुमार के, नीतीश कुमार। हमने कहा अच्छा क्या बात, बहुत खुश, बोला साइकिल लेके आए अलवर, मैं साइकिल लेके आया हूं, अपनी भाषा में उसने कहा। हमने कहा तो क्या बड़ी बात होगी, बोला 5 साल पहले संभव नहीं था, लोग छेक लेते साइकिल को, ले लेते रास्ता, अब हम साइकिल से आए और साइकिल से जाएंगे, ये फर्क पड़ गया है, इस बात को समझना चाहिए मित्रों। एक साइकिल वाला व्यक्ति कितना असुरक्षित था, तो गाड़ी वाले का क्या हाल होता होगा। मैंने पिछली भी सभा में बताया, गोपालगंज का डीएम, दलित डीएम कृष्णैया, क्या उसको गाड़ी से निकाल करके मार दिया गया था कि नहीं मार दिया गया था, उसकी जान लेनी थी कि नहीं लेनी थी? और कौन से चीफ मिनिस्टर, लालू प्रसाद यादव। और यही सिवान में 2 भाइयों को तेजाब से जलाया था कि नहीं जलाया था शहाबुद्दीन ने, और जो गवाह देने वाला भाई था उसको भी मारा था कि नहीं मारा था, और वो दंदनाते थे कि नहीं दंदनाते थे। ये जब नीतीश बाबू आए हैं, सुशील मोदी जी आए हैं, तब शहाबुद्दीन जेल गया है और फिर यहां से भी उसको तिहाड़ भेजा गया, ये भी काम हुआ है तो नीतीश जी के टाइम में हुआ है, ये हमको समझना चाहिए मित्रों। ये सब लोग अपने अपने तरीके से सिर उठा रहे हैं। आजकल समझौता हुआ है किसका, ये अराजकता के साथ चली हुई पार्टी, ये आरजेडी का और माले का। माले कौन है, किसने किया था इच्छेदी कांड, किसने मारा था स्वयंसेवकों को, किसने मारा था राम भक्तों को, कौन थे ये लोग, विध्वंसकारी लोग थे। अब उसमें से अराजक पार्टी और अराजक पार्टी के साथ विध्वंसकारी पार्टी और उसके साथ साथ मिल गई कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी का भी सुन लो, धारा 370 हटाया मोदी जी ने कि नहीं हटाया, कश्मीर को मजबूती दी कि नहीं दी, तो राहुल गांधी ने क्या कहा, गलत हुआ है, ये वापस होना चाहिए, कहा था कि नहीं कहा था। और उसकी दलील को इमरान खान संयुक्त राष्ट्र में रख रहा है,
ये हमारे अपने शशि थरूर पाकिस्तान के मंच पर भारत को गाली देते हैं और पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, राहुल गांधी पाकिस्तान की डबली बजाते हैं, जबकि कोविड में दुनिया मोदी जी को शाबाशी दे रही है तो राहुल गांधी डबली बजा रहे हैं पाकिस्तान में। अरे मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करना बंद करो। ये मणिशंकर अय्यर ये जाकर के बोलता है कि मोदी जी की सरकार को हटाओ, किसको जाके बोलता है? पाकिस्तान को बोलता है। मित्रों, जो इस तरीके से गैर राष्ट्रवादी विचार को आगे बढ़ा रहे हैं और मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब प्रजातंत्र में वोट न देकर के किया जाता है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। और हमको वोट उनको करना है जो देश को आगे ले जाए, जो प्रदेश को आगे ले जाए। मैं ज्यादा ना बोलता हुआ आपसे सिर्फ निवेदन करने आया हूं, बहुत देर से आप सब रुके हुए हैं। मुझे बताया गया 12 बजे आ गए थे, हम लोग देर से आए इसके लिए क्षमा, लेकिन आपने हमारी बात सुनी है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि मित्रों, बिहार बड़े मुश्किल से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व, और ये भी सुन लीजिए कि नीतीश कुमार जी जीत के आए थे, लालू जी के साथ सरकार बनाई थी, क्यों तोड़ी सरकार? इसलिए तोड़ी सरकार क्योंकि राजद का, आरजेडी का जो कैरेक्टर था अराजकता का, वो बदला नहीं था, उनके साथ वो काम नहीं कर सकते थे। करते तो बिहार आगे नहीं बढ़ता, पीछे हटता। जब हमारे साथ आए तो 3 साल में फिर से बिहार आगे चल पड़ा है, इस बात को समझने की जरूरत है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत मुश्किल से बिहार, आप बिहार के बच्चे, आपसे आशा करो, आप बताइए कोचिंग सेंटर के लिए कोटा जाना पड़े? बिहार में पढ़ाने वालों की कमी है क्या? मैं यहां से पढ़ा हूं, रविशंकर प्रसाद यहां से पढ़े हैं, हम लोग, हमारे कितने आईएएस आईपीएस यहां से निकले हैं। बिहार सबको लीड करता रहा है और बिहार बाहर गए। ये इसलिए हुआ है क्योंकि लालू जी ने अपना यूएसपी बना लिया था लोगों को यहां से भेजने का। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि फिर से बिहार में हमको आर्थिक प्रगति लानी है, आर्थिक विकास लाना है, तो हमारे को एनडीए के लोगों को, फिर चाहे वो हम पार्टी का कैंडिडेट है, फिर चाहे वो हमारे जदयू का कैंडिडेट है, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, चाहे वो वीआईपी पार्टी का कैंडिडेट है, सबको जिताना है और जिता करके बिहार के लिए एक नई विकास की कहानी लिखनी है। इसके लिए हमको काम करना है। कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो मोदी जी की इज्जत करते हैं, हम तो मोदी जी के साथ चलने वाले हैं। देखिए एनडीए में 4 लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, वीआईपी और हम पार्टी, यही एनडीए है और इसी को जिताना है और इसी को सामने रख करके चलना है। ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। मित्रों, भ्रम में मत आइएगा, लोग राजनीति में षड्यंत्र भी करते हैं, हमको उससे बचना पड़ेगा और हमको अपनी एकजुटता रखते हुए एक साथ चल करके नया बिहार को बनाने में अपना योगदान करना पड़ेगा। बोलिए करेंगे ना, सबको जिताएंगे ना, चारों पार्टी के कैंडिडेट को जिताएंगे ना। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूं, इतनी रात गए भी आपने हमारी बात को सुनने का प्रयास किया है और आप बैठे रहे अपनी जगह पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवादी। फिर आऊंगा और आपसे मुलाकात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे जिला उपाध्यक्ष आनंद भारती जी हम लोग को धन्यवाद ज्ञापन देकर के सभा समाप्ति की ये करेंगे। आज पूर्णिया की पवित्र भूमि पर विजयादशमी के शुभ दिवस पर हम सबों के बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, जिनका मार्गदर्शन और उद्बोधन हमें प्राप्त हुआ और हमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और जिन्होंने अपना कीमती समय हमें प्रदान किया है, ऐसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने राजनीति में सुचिता और उच्च आदर्श को एकात्म मानववाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्थापित करने के विचार से काम किया है, उनके प्रति हम सादर आभार व्यक्त करते हैं।